डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉनी शॉ है और मैं मैसाचुसेट के शहर वाल्टा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक बड़े से घर में रहता हूँ और इस घर की चार दीवारी कई एकड़ तक फैली हुई है। ये पूरा इलाका मेरे नाम हो चुका है क्योंकि मैं शॉ फैमिली का आखिरी वारिस हूँ। मुझे लगा था 18 साल का होकर मैं अपने चाचा जी के साथ एक छोटा सा जादूगर बनूंगा, पूरी दुनिया में घूमूंगा, लेकिन मेरे 18वें जन्मदिन पर ही उनकी मौत हो गई और ये वसीयत मुझे मिली। ये बड़ा सा दो मंजिला घर जिसमें कई कमरे थे, लेकिन इसी के साथ यहाँ बड़ा मैदान और वो विशाल चार दीवारी मेरे नाम हो चुकी थी। ये कई एकड़ में बसा एक घर कह सकते हैं जिसके बड़े बड़े इलाके हैं। कुछ जंगली इलाका भी इसमें आता है और मैं इसे एक साधारण घर समझ रहा था और इसमें रहने वाले पिशाच को एक खतरनाक पिशाच जो मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन मुझे पता चला वो मेरा रक्षक है, इस घर का रक्षक। यहाँ 10 पिशाच हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, इस घर की रक्षा करते हैं और जब तक मैं यहाँ हूँ कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिससे मैं डर रहा था अब उसका मुझे फायदा होने लगा था। मेरी वसीयत में मिली वो खाली किताब अब भरने लगी थी। वो उंगली लगाता और उन खाली पन्नों पर शब्द उभरने लगते। मुझे धीरे धीरे इस घर का इतिहास पता चलना शुरू हो गया था। वो पूरी रात मैं उस पिशाच के साथ था। उसने अपना सफ़ेद रूप इख्तियार कर रखा था क्योंकि मुझे उससे ही डर कम लगता था, वरना वो भयानक रूप शायद मैं डर कर यहाँ से भाग ही जाता। वो भी मेरी बात मानता था, बस मेरे कान में कुछ शब्द ही कहता। उंगली से छूता उन पन्नों पर अक्षर उभर आते और उसमें इतिहास था इस घर का। पूरी किताब भरी पड़ी थी उन शब्दों से और धीरे धीरे मैं पता लगाता गया। ये घर लगभग 500 साल पुराना है। उस समय खास लकड़ी से इस घर का निर्माण किया गया था। इस घर में एक अजीब सा जादू है जो इसके दरवाजों को बंद किए रहता है। इसमें असीम शक्ति है जो इस धरती को बांधे रखती है। मैं इस शब्द को समझ नहीं पाया था, लेकिन उसमें इतना ही लिखा था। मुझे लगा शायद ये ख्याली पुलाव होंगे। मैं आगे वाले पन्नों को पढ़ना शुरू हो गया। कई पन्नों को पढ़कर मुझे ये भी पता चला कि मेरे पूर्वज भी जादूगर हुआ करते थे। कई बड़े जादूगर जो राजमहल में जादू दिखाया करते थे और एक खुफिया संस्था के भी हिस्सा हुआ करते थे। उसकी ज़्यादा जानकारी इस किताब में नहीं थी। इसमें साधारण इतिहास बताया गया था। जब यहाँ पर गृह युद्ध हुआ था तो किस तरह से यहाँ छिपकर विद्रोहियों ने अपनी जान बचाई थी। इस घर का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना था और मुझे पहले पता नहीं था कि हमारे पूर्वज जादूगर थे। मैं तो सोचा करता था कि मेरे चाचा जी ही जादूगर बने होंगे और घर में कोई उन्हें पसंद नहीं करता होगा। यहाँ माना जाता है कि जो जादूगर बन जाते हैं वो शो करने के लिए दुनिया घूमते रहते हैं और घर में वो रह नहीं पाते, इसलिए घरवाले उससे दूर हो जाते हैं। इसी कारण शायद चाचा जी शादी नहीं कर पाए थे। वो पूरी रात मैंने उस पिशाच से बिताई थी। उसने भी मुझे हर जानकारी दी। वो खुद ब खुद घर की रक्षा करता, यहाँ लाइट को खुद ब खुद बंद कर दिया करता, सामान गिरा हुआ होता उसे सही जगह पर रखता। वो घर की रखवाली करता था और यही उसका काम था। वो किसी को भी घर के अंदर आने नहीं देता और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं थी, भले ही घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही क्यों ना हो। अगली सुबह मुझे और काम करना था। मुझे घर की जानकारी तो पानी थी, लेकिन मुझे एक काम भी ढूंढना था। मैं ज़्यादा समय तक इस घर में इस तरह खाली हाथ रखे हुए रह नहीं सकता। मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। इस शहर में देखता हूँ क्या काम मिलता है। इसके बाद मैं घर से बाहर निकला और उस शहर की तरफ निकल पड़ा। मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी, उसी के सहारे मैं शहर पहुँचा और मुझे सिर्फ 10 मिनट ही लगे थे। ये पुरानी सी साइकिल थी, लेकिन फिर भी चल रही थी।
इसके टायर नए थे, शायद चाचा जी ने ये टायर डलवाए होंगे। भले ही इसे एंटीक साइकिल कहा जा सकता है, लेकिन मेरे पास सफ़र के लिए बस यही था। मैं ना टैक्सी मंगवा सकता था, ना मेरे पास कार थी, कुछ नहीं था, बस ये साइकिल। इसी के सहारे मैं पूरे शहर में घूमता रहा और काम ढूंढता रहा। कई जगह तो काम बहुत मुश्किल होता और पैसे बहुत कम। मैं हाँ तो कर देता, लेकिन उससे अच्छा काम ढूंढने के लिए फिर भी घूमता ही रहता। कई मोबाइल स्टोर पर मैं गया, कई ग्रॉसरी शॉप पर मैं गया, और शाम को घूमते घूमते मैं एक आइसक्रीम पार्लर पर चला गया। ये बड़ी सी आइसक्रीम की दुकान थी, जहाँ पर भीड़ तो ज़्यादा थी, लेकिन एक ही लड़का काम कर रहा था। बार बार वो कोशिश करता कि भीड़ को निपटा पाए, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो काम पूरा नहीं कर पा रहा था। कई लोग गुस्से में वहाँ से जा रहे थे। मुझे एक पल के लिए लगा कि ये मेरे लिए मौका है, अगर मैं उसे मना लूँ यहाँ पर काम कर पाऊँगा, थोड़े कम में कर लूँगा और मुझे काम में आसानी भी तो हो जाएगी। मैं उसके पास चला गया था और बिना पूछे ही उसके साथ काम करने लगा था। मैंने पैसों की कोई बात नहीं की और उसका हाथ बटाने लगा था। उसकी तरफ देखते देखते मुझे पता लग रहा था कि आइसक्रीम को कैसे उस कोन में डालना है और उसके बाद कैसे उन कस्टमर्स को देना है। धीरे धीरे हम दोनों काम करते करते उस भीड़ को निपटा रहे थे, और यहाँ जो इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी अब बहुत जल्दी निपट चुकी थी। वो भी खुश था और उसकी टांगें दर्द कर रही थीं, क्योंकि वो दोपहर से काम किए जा रहा था। वो एक टेबल पर जाकर बैठ गया और उसने मेरा धन्यवाद किया। उसने एक तरफ से लिफाफा खोला और वो एक बर्गर खाने लगा। वो सुबह से भूखा था, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो खाना तक नहीं खा पाया था। उसे खाना खाते हुए देख मुझे खुशी हुई और उसने मेरा धन्यवाद किया और मुझे कहा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो। मैंने भी बातों बातों में कह दिया, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर काम दे दो तो मैं आसानी से इस भीड़ को निपटा सकूँगा और मिलकर हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। उसका चेहरा थोड़ा सा निराश था। उसने कहा, हाँ मैं रखना तो चाहता हूँ किसी को, लेकिन इतने पैसे बचते नहीं, मैं भी क्या करूँ, मुझे नहीं पता मुझे कितनी तनख्वाह देनी चाहिए। मैं उसकी परेशानी समझ गया था और मैंने भी कहा, कोई बात नहीं, आधा आधा कर लिया करेंगे, भले ही कम बचे लेकिन आधा कर लिया करेंगे, इस काम को बढ़ाएंगे। लेकिन तुम इस काम को अकेले क्यों चलाते हो, क्या कोई और यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं है। तो वो लड़का कहने लगा, मेरे पिताजी की ये शॉप हुआ करती थी, बहुत अच्छी चला करती थी, लेकिन 3 महीने पहले वो गुमशुदा हो गए, उसी जंगल में गए थे और वहाँ से वापस नहीं आए। पुलिस आज भी उन्हें ढूंढ रही है, मुझे डर है कहीं कुछ हो ना गया हो। पुलिस का तो मानना है, उस जंगल में जो जाता है वो गायब हो जाता है, और जो गायब हो जाता है वो वापस कभी नहीं आता। मेरी आस है वो वापस आएंगे, पिताजी किसी ना किसी दिन वापस आएंगे, शायद उनके साथ कुछ हो गया होगा, वो यहाँ से दूर चले गए होंगे, शायद वो मुझसे ज़्यादा गुस्सा होंगे इसलिए मुझे छोड़कर चले गए, वो वापस आएंगे। उसको मैं दिलासा दे रहा था और मैंने उससे बात कर ली थी कि हम इस शॉप को मिलकर चलाने वाले हैं। बातों बातों में मैंने उसे बताया कि मैं कहां से आया हूं। वो मेरे बारे में पूछने लगा और जैसे ही मैंने उसे अपना नाम बताया, जॉनी शॉ, वो हैरान हो चुका था। क्या तुम शॉ फैमिली से हो, वही भूतिया घर वाले, उसी के जो पीछे वाले गेट के पास मेरे पापा जाया करते थे। वो मुझे कुछ बताते नहीं थे, लेकिन बार बार उस गेट के पास जाया करते थे। मैं उस बात को सुनकर डर सा गया था, क्योंकि ये उसी गेट की बात कर रहा था जहां पर मैंने वो काली परछाई देखी थी। मैं डरा हुआ उससे कुछ कहना नहीं चाहता था, शायद मुझे पता था इसके पापा के साथ क्या हुआ हो सकता है। वो भेड़िए और वो परछाई क्या कर सकती है, कितनी ताकतवर है, मैं जानता था। मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की और वो बताता गया। उसका नाम साइमन था और उसके पिता इसी तरह जंगल में उस गेट के पास कुछ खोजने के लिए जाया करते थे, और अचानक 3 महीने पहले वो गायब हो गए। उसके बाद से उन्हें ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे। उस जंगल में इससे पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, जो भी वहाँ गुमशुदा हो जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। साइमन बार बार बताया जा रहा था कि वो मेरे घर के आसपास घूमा करता था,
अपने पिता को ढूंढने के लिए वो कभी कभी चारदीवारी के अंदर भी आ जाया करता था। उसका कहना था कि इस घर में सच में भूत हैं। वहां उसने उड़ते हुए कई भूत देखे हैं। वो डर के मारे बाहर निकल आता था, लेकिन मैं उस घर में रह कैसे रहा हूं वो समझ नहीं पा रहा था। तुम भूतों के साथ रहते हो, भूत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। अब मैं उसे क्या बताता, क्या ऐसी बात सबको बताने वाली होती है? लेकिन शायद धीरे धीरे उससे दोस्ती हो जाए और उसे बता भी पाऊं। वहां लगभग 8 बजे के करीब मैं वापस अपने ही घर निकल पड़ा था। मैं साइकिल के सहारे अंधेरे में अपने घर आ गया था। जैसे ही मैंने अपने घर का गेट खोला, वहां आसपास लाइट जल रही थी। वहां कई छोटे छोटे जुगनू छोटे छोटे पौधों पर बैठे हुए थे, जिस कारण पूरी जगह पर रोशनी ही रोशनी हो चुकी थी। उन्हें देखना मनमोहक हो रहा था और मैं चलता हुआ उस घर के अंदर गया, कुंडी लगाई और अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ा। मैंने सोचा हुआ था हर रात उस किताब को थोड़ा थोड़ा पढ़ता जाऊंगा, उसकी जानकारी पाता जाऊंगा। पूर्वजों की जानकारी पाना अच्छा ही होता है और इस घर में अब मुझे रहना है, सब कुछ जानना तो होगा। सब दरवाजों का राज, हर जगह का राज, उस काली परछाई का राज। मैं वो पीछे वाले कमरे में नहीं जाना चाहता था जो लाइब्रेरी थी। वहां ढेर सारी किताबें पड़ी थी और कुछ की भाषा तो मेरे समझ में नहीं आ रही थी। वो कौन सी भाषा थी उसे मैं ट्रांसलेट भी नहीं कर सकता था, तो मैं बस इस किताब को उस पिशाच के सहारे पढ़ने की कोशिश करता। जिन शब्दों का अर्थ मुझे समझ नहीं आता वो पिशाच मुझे बता देता। अब आगे वाले पन्नों में इस घर में रहने के नियम बताए गए थे। इस पिशाच को हमेशा इसी घर में रखना है, ये इस घर से जुड़ा हुआ है। नीचे और ऊपर के जो 5-5 दरवाजे हैं उन्हें कभी नहीं खोलना है। इसके बाद इस घर के बाहर जाकर जो अपनी जमीन है वहां अलग अलग हिस्सों में उन्हें बांटा गया है। तालाब और वो पेड़ अलग हिस्सा है। वहां रात के समय 12 बजे ज्यादा ध्यान रखना है, वहां कुछ शक्तियों का प्रवाह होता है जो दिमाग को हिला सकता है। वो गुफा जो सबसे आगे है वहां भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां मकड़ियों का वास है। किसी भी गेट को खोलना नहीं है, खुद खोले गए गेट से कई लोग अंदर आ सकते हैं और पिशाच उन्हें रोकता नहीं। जबकि अपनी मर्जी से खोलकर कोई अंदर आया तो पिशाच उन्हें नोच खाएंगे। यहां और भी कई इलाके हैं, उनके बारे में भी बहुत चीजें बताई गई थी और उन इलाकों को मैंने अब तक देखा नहीं था। तो इन पन्नों को मैंने वापस पलटा और किताब को बंद कर दिया। अब मैं सोना चाहता था और ये पिशाच एक एक करके अलग अलग कमरों में जा रहा था, लाइट बंद कर रहा था, जो भी सामान इधर उधर पड़ा था दोबारा सही जगह पर लगा रहा था। अब मैंने रात को एक आवाज़ सुनी। ये आवाज़ इस पिशाच के चलने की नहीं थी, ये एक गूंज सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल से आवाज़ आ रही हो, कुछ पंछियों की, एक लड़की की मध्यम मध्यम सी आवाज़। ये कोई लड़की गाती हुई लग रही थी। अगली सुबह मैं फिर से वहां पर काम करने के लिए निकल चुका था। मैं उस शॉप पर सुबह 9 बजे ही पहुंच गया। साइमन भी वहीं पर था। वहां भीड़ जमना शुरू हो गई थी। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका था और यहां पर सबसे ज्यादा यही दुकान चलती लग रही थी। मैं यहां पर काम कर रहा था और भीड़ जल्दी से छंटनी शुरू हो गई। अब हम दोनों मिलकर काम करते और ज्यादा भीड़ नहीं जम पाती, जल्दी जल्दी से हम निपटारा कर देते। लोगों को भी अब ये काम पसंद आना शुरू हो गया था और अब साइमन को भी लगने लगा था कि पैसे तो बचते हैं। और मुझे उसने $700 हर हफ्ते का देना शुरू कर दिया था। इसी तरह से अब काम चलने लगा था। अगले 3-4 हफ्तों तक मैं ऐसे ही काम करता रहा और साइमन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन वो हमेशा खाना खाते वक्त रोना शुरू कर देता। वो कहता वो अपने पिताजी के साथ खाना खाया करता था, लेकिन उसके पिताजी कहाँ गायब हो गए उसे पता नहीं। वो बार बार जंगल की तरफ जाता है, कभी कभी रात को वो जंगल में ही रुकता है, अपने पिता को ढूंढता रहता है, लेकिन उसके पिता उसे कभी नहीं दिखते। बल्कि कई बार कुछ परछाइयाँ उस जंगल में नजर आती हैं। वो डर कर भाग आता है, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो सच्चाई जानना चाहता है। एक दोपहर वो बहुत ज्यादा रो रहा था, तो मैंने उसे दिलासा देने के लिए कह ही दिया, तुम मेरे साथ रहने आ सकते हो, तुम भी तो अपने घर में अकेले ही रहते हो, इतना ज्यादा किराया देते हो, मेरा घर तो खाली पड़ा है, बहुत ज्यादा कमरे हैं, मेरे साथ रहो। उसके बाद भी वो वहां आना नहीं चाहता था, तो मैंने कहा
देखो मेरे घर से उस जंगल में जाने का रास्ता है और कई जगह ऐसी बनाई गई हैं कि जंगल के ऊपर से दीवारें बनी हुई हैं। उन दीवारों के सहारे जंगल के काफ़ी अंदर तक जाया जा सकता है। मेरे घर में रहने का तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो धीरे धीरे मन बनाने लगा था, लेकिन उसे एक सच्चाई जाननी होगी। उसका उसे वादा करना होगा वो किसी को नहीं बताएगा, और इससे वो थोड़ा थोड़ा डर रहा था। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं उसे बताऊंगा और उसे वो अपने अंदर ही रखनी होगी। अंत में वो मान गया। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और उस दोपहर वो कह रहा था कि शाम को मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और अब बताओ वो सच्चाई क्या है। मैं वादा देता हूँ वो बात मैं खुद तक रखूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन बदले में मैं भी उसकी मदद करूँगा ताकि उसके पिताजी को ढूंढा जा सके, उनकी सच्चाई पता की जा सके। मैंने भी वादा दे दिया था। मैंने भी साइमन को सब कुछ बता दिया कि मेरा घर एक जादुई घर है जिसकी रक्षा पिशाच करते हैं। वो पिशाच घर की और मेरी रक्षा करते हैं। उनके साथ दोस्ती करनी होगी और तुम भी उस घर में रह सकते हो, ज़्यादा सुरक्षित। उसके बाद उस जंगल में जाकर भी हम तुम्हारे पिता को ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैंने भी एक काली परछाई देखी है दो भेड़ियों के साथ। हमारे घर के कुछ नियम हैं और वो नियम भी मैंने उसे समझा दिए थे, उस किताब के बारे में भी बता दिया था। पहले तो वो यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पिता जिस तरह से उस जंगल में गायब हो चुके हैं और वो भी एक काली परछाई उस जंगल में देख चुका है, वो मेरी बात मान चुका था, वो खुश था। उस रात 8 बजे मैं उसे भी अपने घर ले आया था। हम दोनों एक एक साइकिल पर उस घर में पहुँच गए थे। साइमन के पास भी कोई गाड़ी नहीं थी, वो भी साइकिल के सहारे ही उस पार्लर पर काम करने के लिए जाता था। आज रात 8 बजे उस गेट को खोलने के बाद जैसे ही साइमन अंदर आया, उस घर की सभी लाइट्स जल चुकी थी। उसे देखकर मुझे भी लगा उन पिशाचों ने सारी लाइट्स जला दी, क्योंकि मैं घर में कदम रख चुका हूँ, लेकिन बार बार वो लाइट्स फ्लक्चुएट कर रही थी। ये शायद साइमन को डराने के लिए थी। मैं साइमन को उस घर में ले गया था, लेकिन मैंने उसे सावधान किया था मेरे साथ ही रहना। उसके बाद मैंने आवाज़ लगाई उस पिशाच को। वो सफ़ेद पिशाच धीरे धीरे आवाज़ करता हुआ मेरे सामने आ गया था, और साइमन ने तो आंखें मूंद ली थी। उसे पहले यकीन नहीं था कि कोई पिशाच ही इस घर में रहता है, लेकिन सामने से देखकर वो समझ भी गया और डर भी गया। मैंने उस पिशाच को भी बता दिया कि साइमन मेरे साथ यहीं पर रहने वाला है और वो पूरा सच जानता है। उस पिशाच को थोड़ा थोड़ा गुर्राते देखा था मैंने, लेकिन वो अब हमारे साथ ही साइमन को भी रखने वाला था। साइमन मेरे साथ ही मेरे कमरे में सोने वाला था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो सोच रहा था कहीं ये पिशाच उसके साथ कुछ कर ना दे। रात के 9 बजे तक हम आपस में बातें करते रहे। मैंने साइमन को बता दिया था कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी इस घर की, उस जंगल की। साइमन कहने लगा था किताबों को पढ़कर हम जंगल के बारे में जानते हैं, उसके बाद जंगल में जाना आसान होगा, वहाँ पर कैसी शक्तियाँ हैं उसके बारे में पता तो करते हैं। हम दोनों उस लाइब्रेरी में पहुँच गए थे। बड़ी सी लाइब्रेरी थी जिसके ऊपर तक किताबें ही किताबें भरी पड़ी थी। कुछ अजीब सी भाषा में तो कुछ समझ में आ रही थी, वो इंग्लिश में थी। जैसे जैसे हम उस लाइब्रेरी को देखते गए, हमें एक बात पता चल गई थी। उस लाइब्रेरी को अलग अलग भागों में बांटा गया था। घर का हिस्सा, बाहर की जमीन का हिस्सा, गुफा का हिस्सा, जंगल का हिस्सा, वो पेड़ का हिस्सा, पेड़ों की जानकारी, जानवरों की जानकारी, पिशाचों की जानकारी, अलग अलग किताबों में हर जानकारी दी गई थी और अलग भागों में उन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता था। साइमन का ज़्यादा ध्यान उस जंगल की किताब की तरफ था। उसका मानना था कि पिताजी अब भी जंगल में जिंदा ही होंगे। अगर वो जानवर ने उनका शिकार नहीं किया तो शायद वो वहाँ पर मौजूद होंगे। वो उस जंगल की किताब को सामने ले आया था और वो मोटी सी किताब थी। जैसे ही उस किताब को हमने खोला, उसके जो अक्षर थे वो उल्टे पुल्टे थे। भले ही वो इंग्लिश में थे, लेकिन वो शब्द क्या बन रहे थे समझ से बाहर थे। हर कोशिश कर ली उस किताब को पढ़ने की, लेकिन समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। बार बार साइमन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता और मुझे कहने लगता, कैसी किताबें हैं, कुछ बताया तो है नहीं,
इंग्लिश में क्या शब्द लिखे हैं समझ में नहीं आता। मुझे ये लाइब्रेरी झूठी सी लगती है। तुम पढ़ो ना इसे, तुम शॉ फैमिली से हो, इसे पढ़ो, समझो और मुझे भी बताओ ना। मैं क्या बताता। धीरे धीरे हमने और किताबें पकड़ी, उसमें भी शब्द उल्टे पुल्टे, शब्द समझ में आ ही नहीं रहे थे। पूरी लाइब्रेरी में हर किताब में ऐसा ही। इसके बाद मैं भी निराश हो गया, इन किताबों का कोई फायदा नहीं है। एक मोटी चमकती हुई किताब जो सोने की बनी लग रही थी, उसे उठाया क्योंकि बार बार वो आंखों में खटके जा रही थी। उसे खोला तो उसमें सिर्फ एक ही पन्ना था। एक इतनी बड़ी किताब और उसका सिर्फ एक पन्ना, और वो भी इतना ज्यादा मोटा। मुझे एक पल के लिए लगा था इसमें भी उल्टे पुल्टे शब्द होंगे, लेकिन उसमें जो लिखा था उसने हमारी दोनों की आंखें चमका दी थी। जिस किताब को पढ़ना हो उस पर वो चीज रखी जाती है तो शब्द सीधे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। जंगल की किताब पढ़नी है तो जंगल का पत्ता रखना होगा। गुफा की किताब पढ़नी है तो गुफा में वो जीव हैं उनका कोई अंग या मिट्टी का हिस्सा रखना होगा। पेड़ की किताब पढ़नी है तो उस पेड़ का कोई अंश रखना होगा। हमें समंदर की किताब पढ़नी है तो समंदर से लाया पानी एक बूंद इसमें डालनी होगी। हमें हर चीज की जानकारी मिल सकती है लेकिन उसका एक अंश लाकर इसे छूना होगा। अब साइमन जान गया था हमें क्या करना है। हमें उस जंगल में जाना होगा, हमें उस जंगल में जाना होगा। जंगल के किसी पेड़ का एक पत्ता लाना होगा, वो इस किताब पर रखना होगा, तब जाकर शब्द सीधे होंगे। मुझे अब जादू पर यकीन होने लगा था, और अगर इसमें ये लिखा गया है तो यही है इस लाइब्रेरी को खोलने का तरीका। ये किताब हर रहस्य को खोल चुकी थी, अब हमें रात के वक्त ही जंगल में जाना था। मैंने साइमन को कह दिया था जंगल में जाने का सबसे छोटा रास्ता है उस टूटे हुए गेट के रास्ते से जाना, लेकिन वहीं पर वो भेड़िए और वो परछाई नजर आई थी। उसने मुझे इशारा किया था मैं वापिस आऊंगा, मैं वहां से नहीं जाना चाहता। साइमन कह रहा था वही छोटा रास्ता है, वरना इस चार दीवारी से घूमकर दूसरे रास्ते से जंगल में जाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ये रास्ता सबसे छोटा है और हम घर की चार दीवारी के अंदर ज्यादा रहेंगे, कम ही वहां जाएंगे, एक पेड़ का पत्ता तोड़ेंगे, वापिस आ जाएंगे। हम अब उधर निकल चुके थे। पहले वो घर के अंदर वाले पेड़ आए। ये जंगल का कई हिस्सा हमारे घर के अंदर भी आता था, लेकिन हम अब भी चार दीवारी के अंदर थे। उन पिशाचों से दूर जाकर अब डर लग रहा था। यहां पर हम अकेले थे। टॉर्च की रोशनी उन पेड़ों पर मारते, क्योंकि यहां आज चांद नहीं निकला हुआ था, बिल्कुल घनघोर अंधेरा था। उन पेड़ों के बीच से निकलकर जाते हुए हमें जंगल के इलाके में पहुंचना था। किसी पेड़ का एक पत्ता उतारना था, लेकिन किस पेड़ का, साइमन मुझसे पूछ रहा था और मेरे पास इसका जवाब नहीं था। किसी भी पत्ते को तोड़ लेंगे, उसमें ये थोड़े ना लिखा है कौन सा पत्ता चाहिए, खास नहीं लिखा है, कोई भी तोड़ेंगे। जैसे ही हम उस गेट के पास पहुंचे, उस पर वो चेन अब भी लिपटी हुई थी। उसके सामने खड़ा होकर मैं सोच रहा था वो परछाई यहां आ ना जाए। उस काले गेट के सामने खड़ा होकर मैं बार बार सोचे जा रहा था कहीं वो काली परछाई सामने ना आ जाए। उसने कहा था मैं आऊंगा, वो भेड़िए भी ना आ जाए। लेकिन अब साइमन के साथ उस गेट को खोलकर उस तरफ जाना था। हमने वो धीरे से गेट खोला, आसपास से कोई आवाज नहीं आ रही थी, और मध्यम मध्यम पैर रखते हुए हम उस जंगल के अंदर जा चुके थे। यहां जितने भी पेड़ थे उनके सूखे हुए पत्ते तो नीचे गिरे हुए थे, लेकिन कोई भी डाली ताजा नहीं थी जिससे हम पत्ता तोड़ पाते। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वो। हमें कोई छोटे कद वाला पेड़ चाहिए था जिसका पत्ता आसानी से तोड़ पाते, या कोई डाली ही तोड़ पाते। हमें अब उस जंगल के और अंदर तक जाना था क्योंकि हर पेड़ ऊंचा ही था। धीरे धीरे चलते हुए हम उस गेट से काफी आगे निकल आए थे। हम रोशनी मारते कोई पेड़ दिखता ही नहीं। सूखे पत्तों को भी जेब में डाल तो लिया था, लेकिन हमें यकीन नहीं था। उस पन्ने पर लिखा था पेड़ का पत्ता चाहिए और वो तोड़ कर लेना है। हर चीज को खुद हाथ में उठाना है, और वो ज्यादा जुड़ी हुई चीज होनी चाहिए उस जगह से। जंगल से ज्यादा जुड़ी हुई चीज एक पेड़ होता है, पेड़ का तना होता है, फिर पत्ता होता है। टूटकर झड़ गया पत्ता उससे अलग हो चुका होता है, वो शायद वो जादू का काम ना कर पाए। हमें एक पत्ता चाहिए लेकिन पेड़ दिख नहीं रहा था। काफी आगे निकलने के बाद एक छोटा पेड़ नजर आया।
लेकिन उसके आसपास कोई और पेड़ नहीं था और वो बहुत ज़्यादा डरावना सा पेड़ लग रहा था। जैसे जैसे उसके करीब हम जाते रहे, हमें पता लगा उसके पत्ते बहुत बारीक हैं, लेकिन वो पेड़ थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा था। उसका एक पत्ता तोड़ना होगा, लेकिन हिल इस तरह से रहा था वो जैसे यहाँ हवा चल रही हो। किसी और पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। चेहरे पर हवा महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो पेड़ तो लहराए जा रहा था। हमने डरते डरते उसके पास कदम रखने शुरू कर दिए और आस पास से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई। इन सूखे हुए पत्तों पर हम पैर रख रहे थे और कब से हमारे पैरों की ही आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही हम एक कदम आगे बढ़ाते हमारे पैरों की आवाज़ आती और कुछ देर बाद दूर से किसी और के पैरों की आवाज़ आती। कोई जानवर, कोई इंसान या कोई प्रेत हमारे आसपास ज़रूर है। हमें उसे जानना होगा वो क्या चीज़ है। हमने इसके बाद भागकर जल्दी से उस पत्ते को तोड़ने की कोशिश की। कुछ पत्ते मैंने तोड़ लिए थे, कुछ साइमन ने तोड़ लिए। हम दोनों ने उन पत्तों को तोड़ा, जेब में डाला, एक छोटी सी डाल को भी तोड़ा, वो भी जेब में डाली। उसके बाद पीछे की तरफ भागने लगे। जिस तरह हमारे पैरों की आवाज़ आ रही थी, उसी तरह आसपास से पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही थी। कोई हमारा पीछा कर रहा था और उनकी संख्या बढ़ रही थी। अब ज़्यादा आवाज़ें आने लगी थी। अचानक एक जगह पर मैं गिर पड़ा। जैसे ही मैं गिरा, मुझे संभालने के लिए साइमन वहां पर रुका। उसके कदम रुके, वो आवाज़ें भी बंद। हमारे पैरों की आवाज़ों के साथ वो आवाज़ें चल रही थीं। मैं खड़ा हुआ और हिल नहीं रहा था। हम अचानक ही भागना शुरू करेंगे, ये कहा था साइमन ने। उसके बाद हमें कुछ चेहरे नजर आए। ये काले रंग के भेड़ियों के चेहरे थे जो कई जगह से निकल रहे थे। वो बिना आवाज किए जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। हमने तेजी से भागना शुरू कर दिया। वो भेड़िए अब हमारा पीछा कर रहे थे। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। कम से कम 10 भेड़िए थे जो हमारा पीछा कर रहे थे, और जितना बड़ा कदम हमारा होता उतनी बड़ी छलांग उनकी होती। पहले वो काफ़ी दूर थे और धीरे धीरे हमारे करीब आते जा रहे थे। हम भी उस गेट से ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन वो इतना करीब थे कि हमें रुकना पड़ा। हमारे रुकने पर वो भी रुक गए, लेकिन वो बिना आवाज़ किए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर एक पल के लिए लगा था उस गेट तक पहुँच नहीं पाएंगे हम, उससे पहले ये छलांग लगा कर हमें पकड़ लेंगे। साइमन को इतना ज़्यादा डरा हुआ मैंने नहीं देखा था। इतना ज़्यादा तो वो पिशाच को देखकर भी नहीं डरा था, लेकिन आज वो मुझसे चिपक गया था। और अब वो काली परछाई उन भेड़ियों को एक तरफ करती हुई आगे बढ़ रही थी। वो काली परछाई की आँखें जैसे हमें डरा रही थी। उसकी भारी सी आवाज़, एक गूंज जो उसके शरीर से निकल रही थी, और वो काला चोला हवा में उड़ता हुआ हमें डरा रहा था। ऐसा एहसास दे रहा था जैसे हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। वो गूंज पूरे जंगल में गूंज रही थी और हमारे करीब आता हुआ हमें जैसे और ज़्यादा डरा रहा था। वो भेड़िए एक तरफ हो गए और बीच से चलता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। पत्तों के हिलने की आवाज़ नहीं आ रही थी, ये इस बात का सबूत था कि वो उन पत्तों के ऊपर से उड़ता हुआ हमारे पास आ रहा है। अगर हम यहाँ से भागेंगे शायद उस गेट तक ना पहुँच पाएं, बहुत करीब पहुँचेंगे। क्या हम इनसे बच पाएंगे? हमें पता नहीं था। हम क्या करें? साइमन भी मेरे सहारे ही था। उसे इस परेशानी में मैंने ही डाला था। मैंने ही उसे अपने पिता को ढूंढने के लिए यहां तक लाया था। एक झटके में हम उस गेट की तरफ भागने लगे। वो उड़ती हुई परछाई हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हमें छू नहीं रही थी। हमारे शरीर में अजीब सी जकड़न कर रही थी, टांगें जकड़ी जा रही थी जैसे वो शरीर में घुस रहा हो। वो बार बार शरीर से शक्ति को चूस रहा था। टांगों की शक्ति कमजोर होती, भागने की रफ्तार कम होती, और वो भेड़िए हमें नोचने के लिए हमारे बहुत करीब थे। मैंने सोचा हुआ था कि मैं साइमन के पीछे ही भागूंगा, वो गेट को पार कर लेगा, अगर कुछ बुरा हुआ तो मेरे साथ होगा, वो तो बचकर यहां से निकल ही जाएगा ना।
इसी तरह मैं उसके पीछे था और उसे धक्के मारकर आगे कर रहा था। उस गेट के काफी करीब पहुंचते ही पीछे से जैसे एक भेड़िए ने मेरी टांग पकड़ ली। उसके वो दांत मेरी टांग में गड़ चुके थे और मैं अब आगे निकल नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने साइमन को धक्का दे ही दिया था। वो उस गेट को खोलता हुआ उस घर की हद के अंदर पहुंच गया था, लेकिन एक भेड़िए ने मेरी टांग पकड़ रखी थी और बाकी भेड़िए जैसे आसपास थे। उस भेड़िए के मुंह को खोलने के लिए बार बार उसके कानों को पकड़ता, उसकी आंखों में मैं अंगूठे दबाकर उसकी आंखों को नोचना चाहता था, लेकिन उसके दांत अजीब से थे। वो बार बार दांतों को मेरी टांग से बाहर निकालता, लेकिन मेरे शरीर में घाव नहीं बनता। वो जैसे जादुई भेड़िया था, धीरे धीरे टांग के ऊपरी हिस्से को पकड़ रहा था। बाकी भेड़िए मेरा शिकार नहीं कर रहे थे, वो जैसे इंतजार कर रहे थे कि वो मुझे घसीट कर उस जंगल में ले जाए, उसके बाद सब मुझे नोच खाएं। धीरे धीरे वो मेरे शरीर के हिस्से को पकड़ रहा था। मैं हाथों के सहारे थोड़ा थोड़ा पीछे घिसटता, अपने उस घर की हद के अंदर आने की कोशिश करता, और साइमन वहां गिरा हुआ बार बार इशारे कर रहा था, जल्दी अंदर आ जाओ, मैं गेट बंद कर देता हूं। वो भेड़िए इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वो जो काला चोला पहने प्रेत सा था, वो शक्ति चूस रहा था जिस कारण शरीर जकड़ रहा था। मैं उसे धकेलकर पीछे नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी बाजुओं को बाकी भेड़िए पकड़ने की कोशिश करने लगे। वो दांतों को गड़ाना चाहते थे, लेकिन मैं धक्का देकर किसी तरह बचे जा रहा था। उनसे बचता बचता मैं पीछे घिसट रहा था। उनके दांत बार बार बाजुओं में गड़ते, लेकिन जब वो बाहर निकालते घाव भी भर जाता। बार बार थोड़ा सा दर्द होता, फिर दर्द गायब हो जाता। मैं समझ चुका था वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, बस मुझे उस काले साए से बचना होगा, उसके जितना दूर रह सकता हूं उतना रहना होगा। मैंने एक भेड़िए के सर को पकड़ा और उन बालों को उंगलियों से नोच दिया। मेरी उंगलियों में भेड़िए के बाल लग चुके थे और वो बहुत भारी बाल थे। मैं उंगलियों से उन्हें निकाल नहीं पा रहा था, बड़े चिपचिपे से बाल थे, लेकिन मेरा ध्यान उनसे बचने का था, इन भेड़िए के बालों को निकालने पर नहीं। किसी तरह बचते बचते मैं उस गेट के पास था और साइमन ने मेरा हाथ पकड़ ही लिया। साइमन ने इतनी जोर से मुझे खींचा कि वो पांच भेड़िए जो मेरी टांगों में अपने दांतों को गड़ा चुके थे, वो भी खींचते खींचते उस गेट के अंदर आ ही रहे थे। मैं पूरा उस गेट के अंदर था, लेकिन उन भेड़ियों के कटते हुए सर देखे मैंने। ऐसी सफेद रंग की रोशनी उस गेट के अंदर से निकल रही थी जो उन भेड़िए के शरीरों को काट रही थी। एक एक करके उनके शरीर कटते गए और मैं उनसे जैसे मुक्त होता गया। अपने उस घर की हद में शक्ति को महसूस किया मैंने। मैं बिल्कुल सही था। अब जैसे शरीर में जान आई थी, लेकिन मैं हांफ रहा था। वो उड़ती हुई परछाई जैसे उस गेट के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई थी। वो गेट तो खुला था, लेकिन वो उसे पार नहीं कर सकता था। वो काले चोले वाली आत्मा, अचानक उसने अपने सर से वो चोला हटाया। उसका इंसानी चेहरा नजर आया, जो बहुत भयानक सा तो था, लेकिन इंसानी चेहरे जैसा फिर भी दिख रहा था। अचानक साइमन की आवाज निकली, पिताजी, ये तो पिताजी है। वो भयानक चेहरा इस तरह से घूर रहा था जैसे हम दोनों को नोच लेगा, लेकिन साइमन कह रहा था, ये उसके पिता हैं। अगर ये तुम्हारे पिता हैं, ये हमें मारना क्यों चाहते हैं? साइमन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो काला साया उंगली से इशारा कर रहा था मेरी तरफ। मैं डरा हुआ था। ऐसा इशारा था कि जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वो किसी अंग की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने हाथ हिलाया, वो मेरे हाथ की तरफ इशारा कर रहा था। हाथ की तरफ इशारा क्यों कर रहा है? साइमन भी मेरे हाथ को देखे जा रहा था। जब मेरा ध्यान मेरे हाथ पर पड़ा तो उस पर भेड़िए के बाल लगे हुए थे और उन बालों की तरफ वो साया इशारा कर रहा था। लेकिन क्यों? क्या इन बालों से कुछ हो सकता है? अचानक साइमन बोला, उन किताबों में वो अंश लगेंगे जिससे वो अक्षर सीधे होंगे और हमें वो जानकारी मिलेगी। भेड़िए के बाल उस जानवरों की किताब पर लगे तो वो सब कुछ बता देगी ना। हम इसी तरह उस घर के अंदर पहुंच चुके थे। घर के अंदर पहुंचते ही हमें सांस में सांस आई थी, क्योंकि यहां पिशाचों का घेरा था।
इन पिशाचों को पार करके शायद घर के अंदर कोई नहीं आ सकता था। अब हमें सबसे पहले लाइब्रेरी में जाना था। मैं भी थका हुआ था, जबकि साइमन भी थका हुआ था, फिर भी हमें ये जरूरी काम करना था। साइमन की आंखें चमक गई थीं क्योंकि उसने अपने पिता को ढूंढ लिया था। बस उसके पिता कुछ बता नहीं पाए, एक इशारा कर पाए। आखिर क्या बताना चाहते थे वो? मैंने वो भेड़िए के बाल सबसे पहले उस किताब में रखे, जानवरों की वो किताब जिस पर एक भेड़िए का चेहरा बना हुआ था। जरूर कोई ना कोई रिश्ता इस किताब का उन भेड़ियों से होगा। उस किताब के बाहर एक चौकोर सा आकार बना हुआ था, शायद यहीं पर ये भेड़िए के बाल रखने होंगे। मैंने जैसे ही वो भेड़िए के बाल उस चौकोर आकार में रखे, वो किताब अपने आप खुली। उसके अक्षर धीरे धीरे हिलते हुए शब्द बनाने लगे और वो पूरी किताब सही शब्दों में आ चुकी थी। उन शब्दों को पढ़ा जा सकता था और उसमें जानवरों की सारी जानकारी बताई गई थी। उसमें भेड़ियों की दुनिया की जानकारी बताई गई थी। भेड़ियों की दुनिया, जिसे वुल्फ वर्ल्ड कहा जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा भेड़िए पाई जाती हैं। इंसान भी वहां पर रहते हैं, लेकिन शक्तियों को संजोए रखते हैं वहां पर भेड़िए। उनकी शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि सब दुनियाओं को जोड़ा जा सकता है। वहां इस शक्ति का इस्तेमाल करके एक भेड़िए दरवाजे को यहां पर बनाया गया है, लेकिन 10 भेड़िए जो इस दुनिया में फंस चुके हैं, वो शाप के कारण इंसानों का शिकार करने लगे। उनका बदला इस घर के पूर्वजों से है, और जो भी इस घर में निवास करेगा, उस गेट से उस जंगल में जाएगा, वो उसका शिकार करेंगे। वैसे वो भेड़िए इंसानों का शिकार नहीं करते, लेकिन शाप के कारण वो उस जंगल में अब भी भटक रहे हैं अपनी दुनिया में जाने के लिए। उसी शाप में अगर कोई इंसान उनसे जुड़ जाता है तो वो उनका कैदी बन जाता है, और कैदी हमेशा भेड़ियों की बात ही मानेगा। वो भेड़िए जो चाहते हैं वो कैदी करता है। कैदी को आज़ाद कराने का तरीका है भेड़ियों की दुनिया से जाकर वो चाबी को लेकर आना, जिससे वो आज़ाद हो सके, ताकि दोबारा उस दुनिया में पहुंचाया जा सके। हमें अब ये जानकारी तो मिल गई थी कि कैसे साइमन के पिता को बचाया जा सकता है, लेकिन भेड़ियों की दुनिया का दरवाज़ा ये कहां पर मिलेगा? साइमन का भी ये सवाल था और मेरे मन में भी यही विचार थे। लेकिन उसके बाद मैं भागता हुआ उन दरवाजों के पास गया। हर दरवाजे का ताला अलग था। एक का ताला भेड़िए के आकार का था और मेरी आंखें चमक गईं। यहां पर इस ताले को खोलना होगा, जिसके बाद ये दरवाजा खुलेगा। ये दरवाजा जरूर भेड़ियों की दुनिया में जाने का होगा। वहां से उस चाबी को लाना होगा, लेकिन इस ताले की चाबी की कोई जगह बनी नहीं हुई थी। आखिर मैं इसे खोलूंगा कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस ताले को पकड़ते हुए मैं चारों तरफ देखे जा रहा था, लेकिन कोई भी चाबी का छेद नहीं बना हुआ था। हम सोचते रहे, लेकिन वो छेद की जानकारी हमें मिली ही नहीं, ना उस किताब में बताया गया था। आखिर तालों की जानकारी किस किताब से पाएं, और वहां पर ऐसी कोई किताब नहीं थी जो तालों की जानकारी देती। किसी किताब पर ताला नहीं बना हुआ था। मैं हैरान और परेशान, जबकि साइमन रोए जा रहा था। उसे पता था उसके पिता को बचाना है तो हमें ये ताला खोलना होगा, लेकिन ताले के पार क्या है वो भी पता नहीं था। इसके बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया, उंगलियों में लगे वो भेड़िए के बाल, क्या उनसे इस ताले को खोला जा सकता है? मैंने उन बालों को इकट्ठा किया, उस ताले के ऊपर रखा, और उस ताले से वो रोशनी निकलना शुरू हो गई। वो ताला अपने आप खुल चुका था। मैं उस ताले को निकाल सकता था, लेकिन मैं सोचने को मजबूर हो गया। इन तालों का नियम है कि इन्हें खोलना नहीं है, मुझे उस किताब में यही बताया गया था। क्या इसे खोलना सही होगा? साइमन बार बार कहे जा रहा था कि उसके पिता को बचाने का रास्ता ये है, लेकिन मैं जानता था इसे खोलने के बाद वो दुनिया का रास्ता खुलेगा। उसे बंद इसीलिए किया गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? क्या सच में उसके पिता को बचाने का कोई रास्ता है? मैं इस दरवाजे के पार जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी।
और इस ताले को खोलते ही इस दरवाजे की एक छोटी सी छाल उधड़ गई थी। मैंने उस छाल को हाथ में ले लिया और मन में ख्याल आया, दरवाजे की किताब के अक्षरों को सीधा करने का तरीका ये छाल है। इससे हमें दरवाजों का राज पता चलेगा। उसके बाद इस दरवाजे के पार जाएंगे और भेड़ियों की दुनिया में उस चाबी को लेकर आएंगे। साइमन तैयार था। वक्त रात के 3 बजे का था और हमें एक सफ़र करना था दूसरी दुनिया का बिना जानकारी के। उस किताब पर छाल रखते ही सब अक्षर सीधे हो गए और हमें दरवाज़ों की जानकारी मिलने वाली थी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं, इंतज़ार करिएगा। रोमांच से भरे इन एपिसोड्स में आपको दूसरी दुनिया का राज पता चलेगा, इन दरवाज़ों का राज पता चलेगा, इस जादुई घर का राज पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।